हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त फिर एक बार आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मिनी पुर्तगाल और हमारे साथ है थॉयसन जो अभी बाइक चला रहा है। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे टायसन अपनी फ़ोटो नहीं कर रहा है और ये आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग लगा रहा नज़ारा है। एक्चुअली ये लुक, ये एरिया आपको इंडिया की तरफ लग रहा है, लेकिन हम आगे दिखाएंगे कि आपको लगेगा यार हम भारत में नहीं है। और देखिए ये कैसा है, भारत से बाहर आ गए ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकेशन गोवा के पंजीम में स्थित है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ। अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि ज़्यादातर लोग यहाँ के फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये एरिया बहुत बड़ा नहीं, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और लेकिन दिखने में लग रहा है कि यार हम भारत में नहीं हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, कैमरा हर बिल्डिंग पे है, मतलब सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और थॉयसन भाई तो अपने फ़ोटो निकालने में बिज़ी है, वो जर्मनी से, लेकिन भाई इंडिया में मिनी पुर्तगाल देख रहे हैं। एक्चुअली थॉयसन को ना ये बंदा 65 कंट्री घूम चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बढ़िया, यहाँ हर घर में कैमरा लगा होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो घूमने के लिए ही आते हैं और साथ ही यहाँ के फोटो निकालते हैं। तो चलो चलते हैं, पूरा नज़ारा देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोग, एक कपल आया है, यह है प्री वेडिंग शूटिंग करने के लिए आया है। और यहाँ ज़्यादातर लोग शूटिंग के लिए और या फिर अपने फ़ोटो निकालने के लिए आते हैं और फील करते हैं कि हम इंडिया से बाहर हैं। ये हमें वेल दिख रही है, तो इस वेल में जाके देखते हैं। गंदा है यहाँ पे, अच्छी जगहों पे कुछ गंदे भी होते हैं, तो यहाँ पानी गंदा कर रखा है आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ फोटोग्राफी या शूटिंग का आनंद लुटा ले रहे हैं। कभी कभी यहाँ फिल्मों की भी शूटिंग होती है और यहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग हो गई है, जो कम बजट वाले मूवी होते हैं उनके शूटिंग यहाँ पे होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हर बिल्डिंग पे केसा ऐसे लिखा है, और केसा का पुर्तगाली लैंग्वेज में मीनिंग है होम, घर ऐसा है। यहाँ पे स्पेसिफिक पार्किंग की कोई जगह नहीं है, मतलब घर के सामने ही सभी लोग गाड़ियाँ लगाते हैं। और आप ये सामने जगह देख रहे हैं, छोटा चर्च है जो कि मिनी पुर्तगाल एरिया में ही स्थित है। और ये आप देख सकते हैं कि हर घर दूसरे घर से डिफरेंट है, लेकिन दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। और ये मैं आगे जाके आपको चर्च का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। चर्च के सामने भी लोग अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो फोटोग्राफी के लिए आते हैं, फ़ोटो निकालते हैं और शेयर करते हैं। तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हर जगह आपको यही दिखेंगे कि लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो निकालते हैं और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको ये देख के लगेगा कि यार हाँ ये इंडिया में नहीं है, हाँ लेकिन ये प्लेस इंडिया में ही है।
दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप गोवा में आए हैं तो इस प्लेस को भी ज़रूर विजिट करें। और इतना ही प्लेस मतलब फेमस नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। आप गोवा आए तो पंजिम में मिनी पुर्तगाल को डेफिनेटली विजिट करें। थैंक यू।